हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने इस चैनल अरहान एंटरटेनमेंट। मैं हूँ राशि सिंह। तो आज हम लोग बात करेंगे मनी हाइस सीजन 4 के बारे में। तो जिन लोगों ने सीजन 1 और 2 का रिव्यू नहीं चेक करा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां जाकर रिव्यू चेक कर लेना। खैर, हम लोग बात करेंगे सीजन 3 और सीजन 4 की, क्योंकि सीजन 3 की बात इसलिए करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीजन 4 की जो कहानी है वो सीजन 3 का कंटिन्यूशन है। तो मैं आपको बता दूं, सीजन 3 की कहानी शुरू होती है रियो और टोक्यो से। अब सीजन 1 और 2 में जिस तरीके से रॉयल मिंट ऑफ स्पेन में जो मिशन था वो मिशन तो कंप्लीट हो गया था, लेकिन उसके बाद सारे रॉबर्स अपने अपने ठिकाने पर चले गए थे। लेकिन रियो से एक ऐसी गलती होती है जिस वजह से पुलिस के रिडार पे लोग वापस आया था, और उसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट टर्न आता है और प्रोफेसर इस बार क्या नई हाइस्ट का प्लान करते हैं, सब कुछ जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी जिसका नाम है मनी हाइस्ट सीजन 4। मैं आपको इतना कह सकता कि सीजन 1 और 2 बहुत अच्छा था, सीजन 3 उससे भी ज्यादा अच्छा था, और सीजन 4 उससे भी कई ज्यादा अच्छा, एकदम नेक्स्ट लेवल का सीजन 4 बना देगा, जहां पर आपको ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं, साथ साथ यहां पर आपको और भी ज्यादा इमोशनल सीन्स देखने को मिलते हैं। क्योंकि मेकर्स को अच्छी तरीके से पता है कि जितने भी फैंस है मनी हाइस्ट के वो पूरी तरीके से कनेक्ट है, वो जितने भी रॉबर्ट्स, चाहे वो डेनवर हो, चाहे वो बर्लिन हो, चाहे वो रियो हो, टोक्यो हो, प्रोफेसर हो, सबके साथ वो इमोशनली कनेक्ट हो चुके हैं। तो इस वजह से यहां पर आपको इमोशनल का तड़का थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत ही जरूरी है मनी हाइस्ट के लिए। और उसके अलावा प्रोफेसर ने जैसा कहा था कि ये इस बार ये हाइस्ट नहीं बल्कि वॉर होने वाली है, और डेफिनेटली ने पूरा ध्यान में रखी है, पूरे सीजन 4 को बनाया, जहां पर आपको बहुत सारा एक्शन देखने को मिलता है, बहुत जबरदस्त ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलता है। जहां पर सीजन 4 खत्म हो वहां से इतना ही कह सकता हूं कि सीजन 5 के लिए मैं पर्सनली वेट नहीं कर सकता, क्योंकि इस बार खतरे में मास्टरमाइंड आ चुका है। और मास्टरमाइंड कौन है, अगर आपको नहीं पता तो आप मेरा सीजन 1 का रिव्यू देख लो, आपको समझ में आ जाएगा मैं किसको मास्टरमाइंड बोलता हूं। लेकिन यहां पर बता दूं कि जो प्लान है बैंक ऑफ स्पेन में, जो हाइस्ट का प्लान है, ये प्लान प्रोफेसर का नहीं, ये प्लान है बर्लिन और पैलर्मो का। लेकिन फिर भी बर्लिन, तो आपको पता है कि बर्लिन अब मर चुका है, लेकिन फिर भी प्रोफेसर इस हाइस को पूरा एग्जीक्यूट कर रहे हो, प्रोफेसर इसमें क्या अपना टच डाल रहे हो, क्या कुछ हो रहा है, ये सब कुछ जानने के लिए तो आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। मैं आपको इतना कह सकता कि मेरे हिसाब से ये वन ऑफ दी बेस्ट सीरीज है पूरे वर्ल्ड में। और जिस चूतिया लोग इस सीरीज को नहीं देखते तो उनको बोल दूं कि भाई इस सीरीज को देखो, ये मत सोचो कि ये सीरीज इंग्लिश में या स्पेनिश में, आप ये सोचो कि आपको एक बढ़िया कहानी देखने मिलती है, एक बढ़िया पूरी सीरीज का जो एग्जीक्यूशन है, जिस तरीके से एक सीरीज एक कहानी को आगे लेके जाना चाहिए, जो ट्विस्ट एंड टर्न्स होना चाहिए, जिस तरीके से एपिसोड को एंड करना चाहिए, उसके बाद नेक्स्ट एपिसोड किस तरह से शुरू करना चाहिए, मतलब आप इजिली इससे कनेक्ट हो जाओगे। और मैं बता रहा हूँ उन मेकर्स लोगों को बता रहा, जो बॉलीवुड में फिल्में बनाते हैं उनको ये नहीं पता था कि एक सीन यहाँ पे कट हुआ तो दूसरा सीन कहाँ से शुरू करना चाहिए। तो अगर आप लोग मनी हाइस्ट नहीं देखे तो मैं आपको बोलूँ देख लो, क्योंकि यहाँ पर हर एक एपिसोड को आप देखोगे तो कहीं से ऐसा नहीं लगेगा ये सीन कहाँ से आ गया। और जितना ट्विस्ट एंड टर्न आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा, शायद ही 2020 में कोई ऐसी सीरीज आई होगी जहां पर आपको इतना जबरदस्त इस तरह पे वो एंड कर देंगे कि मतलब आप खुद ही क्या समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कर लोगे खुद का। अगर आप इसका सीजन 4 का एंडिंग देख लोगे तो आप ये सोचोगे कि भाई मतलब ये लोग ने इसके आगे एपिसोड क्यों नहीं बनाया, और ये कब रिलीज होगा सीजन 5, और इसके ऊपर क्या कुछ अपडेट, मतलब आप लोग बहुत, आपने एवेंजर एंडगेम देखे थे, अगर आपने मार्वल की मूवीज देखते हो तो जिस तरीके से एवेंजर इन्फिनिटी वॉर देख के जो एक्साइटमेंट हुआ था कि एवेंजर एंडगेम कब आएगा, तो बिल्कुल वैसा ही है कि अब इसका मनी है इसका सीजन 5 कब आएगा। मैं तो भाई बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं, आप मुझे कमेंट करके बता रहे कि आपको मनी है इसका सीजन 4 कैसा लगा, और आपका कौन सा फेवरेट कैरेक्टर, प्लस इसमें जो ट्विस्ट एंड टर्न्स बताया आप उससे कितना ज्यादा सेटिस्फाइड हो। क्योंकि मुझे पर्सनली मेरा ओपिनियन है कि ये अब तक का बेस्ट सीजन है। अगर आपको नहीं लगता ये बेस्ट है तो मुझे कमेंट करके बताना, और आपको लगता है ये बेस्ट है तो आप वो भी मुझे बता सकते हो। तो बस इस वीडियो में इतना, आज इस वीडियो थोड़ा जल्दबाजी में इसके लिए बना क्योंकि मैं मनी है इसका बहुत बड़ा फैन हूं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यार जितना मैं वेट कर रहा था उससे कई ज्यादा मुझे मिला है। तो बस यार इस वीडियो में इतना, अगर आपको ये नहीं देगा तो भाई फिर से बोल रहा हूँ जाके एक बार देख लो, फिर उसके बाद मुझे कमेंट के बताना कि आपको ये सीरीज कैसे लगी। तो बस मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में, दिल दुआ में याद रखना। मैं हूँ राशि सिंह और आप सब है अरहान एंटरटेनमेंट।